हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज मैं आपको अपना गार्डन की अपडेट देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये करी पत्ते का पौधा है, इसी में से मैंने आज इसके सीड्स हार्वेस्ट किए थे। ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद रेड चिली भी आई हुई है, ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। आम का पेड़ है, ये अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये मेरा अमरूद का पौधा है जो बाहर लगा हुआ है, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। करेले का पौधा लगाया हुआ है, करेले की बेल भी बढ़ रही है। ड्राई करने के लिए रखा हुआ था। मुझे इसे के सीड्स चाहिए, इसे एप्पल क्रिस्टल के नाम से जानती हैं ये। वैसे ये खीरा ही है। काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है पौधों की। ये मेरा पौधी ना, ये चूहा मेरा धनिया का पौधा नहीं छोड़ रहा, इसको बार बार खा जाता है। देखो सारी इसमें टहनी टहनी रह गई हैं। लौकी का पौधा है जो काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। किस तरह से मैंने अपना गार्डन तैयार किया हुआ है, मैंने पहले मेरा लेफ्ट साइड में, इस साइड में काफ़ी अच्छा बना हुआ था, फिर मैंने राइट साइड में भी। मैं सोच रही हूँ कि मेरी ये फेंस जो है, ये मैं बेल लगाकर इसको ढक दूँ तो और अच्छा लगेगा। छोटी छोटी लौकी भी आ रही हैं, अब पता नहीं, इनका सीजन तो निकल चुका है, अब विंटर आ चुके हैं। मुझे लगता नहीं कि ये अब बनेंगी लौकी, देखते हैं आगे क्या होगा। आपको मैं बस अपडेट ही दे रही हूँ अपने गार्डन की। मेरा तुरई का पौधा है, ये भी अच्छे से चल रहा है। देखिए यहाँ मैंने इस साइड भी बेल लगा रखी हैं कुछ, ये बीन्स वगैरह की हैं, बीन्स हैं, करेला है, तुरई है, बेल लगी हुई है इनकी। पहले मैं आपको इधर की अपडेट दे देती हूँ इस तरह से। अब हम इस साइड चलते हैं, इस साइड भी कितना सुंदर लग रहा है इसका व्यू देखने में। इसके बैगन भी देखो कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो रहा है। ये अरबी है, अरबी का पौधा लगा हुआ है। इधर मेरी करेले की बेल चल रही है और इधर चायोटे, देखो फ्लावर्स भी आ रहे हैं और इसमें फ्रूट्स भी बन रहे हैं। पर चूहा में जो भी फ्रूट्स आता है वो खा ही जाता है, खाता भी नहीं होगा तो तोड़कर फेंक ही देता है। किस तरह से मैंने अपनी बेलें लगा रखी हैं। ये मेरे इधर बैंगन के पौधे, टमाटर, अदरक, सदाबहार, शिमला मिर्च और ये मेरा शहतूत। ये फ्लावर्स का पौधा है, खीरे के अभी भी फ्लावर आ रहे हैं। इधर देखिए, इधर मेरी ये बेल चल रही है, इसमें मेरी फली लगी हुई है। चायोटे का पौधा लगा हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो रहा है। और मैं आपको, ये मेरी यहाँ पे कुछ फली भी आई हुई हैं, फली तो मेरी काफ़ी आई है इस बार। चायोटे का फल आया था तो मैंने इसे पॉलीथीन में बंद करके रखा हुआ है, चूहे की वजह से ही, वो कुछ नहीं छोड़ रहा। देखिए ये बच गया मेरा, अभी अभी और भी आ रहे हैं फ्रूट्स, बट मैं डेली चेक करती हूँ
कुछ ना कुछ खा ही जाता है। देखिए इसमें भी फ्रूट्स हैं, देखते हैं कितने बचते हैं। देखिए एक ये आ रहा, काफ़ी सारे हैं। देखिए कितने सारे फ्लावर्स और ये बन रहे हैं, और हरी मिर्च के पौधे अभी तक चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी भी। चायटो का फ्रूट दिखाऊं मैं आपको, देखो कितना अच्छा लग रहा है। लॉन्ग बीन्स भी आ रही हैं अभी, बरबटी ये आ रही। पता है एक बार जब ये फ्रूट्स दे देते हैं उसके बाद हमें पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दोबारा फिर इसकी ग्रोथ होती है और फिर दोबारा से फ्रूट्स देते हैं। हम सोचते हैं कि ये ड्राई, ये सूख गया या ड्राई हो गया जैसा भी है, तो हम इनको निकाल कर फेंक देते हैं। हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें इसी में रहने देना चाहिए पॉट में ही, तो दोबारा ये अच्छे से और ग्रोथ लेता है। देखिए मेरा, देखिए पौधा दोबारा इसमें न्यू लीव्स आई हैं और दोबारा से ये फ्रूटिंग कर रहा है। मैंने गुलाब का है इधर मेरा और फूलों का है, उधर भी मेरी बीन्स लगी हुई हैं बाहर। देखिए कितने सुंदर इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसमें, काफ़ी सुंदर पौधा है ये भी। ये हरी मिर्च का है, ये मेरे बैंगन ही अभी तक चल रहे हैं, टमाटर मेरे टमाटर के यहाँ भी पौधे लगे हुए हैं दो, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनके टमाटरों की भी। एक नींबू लगा हुआ है, पिछली बार ये मेरा पॉट बाहर की साइड लगा हुआ था तो मेरे डॉगी ने सारे फ्लावर्स जो थे वो सारे तोड़ दिए थे, तो केवल एक ही फ्रूट बचा हुआ है, इसको मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। अब मैंने इसको अंदर कर दिया है तो ये सेफ है पौधा मेरा। अब इसमें नेक्स्ट सीजन में देखते हैं कितने फ्रूट्स लगाएंगे। ये सारे मेरे पौधे अंदर ही हैं, देखो मैंने चूहे का इंतज़ाम भी किया हुआ है पर ये आता नहीं है इसमें। आपको कैसा लगा मेरा गार्डन? ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।